कहेवा पड़ता हता, तेमने रसी लेवा मनावा पड़ता हता, परंतु आज तस्वीर बदलाई गई है। परंतु केटलीक तस्वीर कोरोना प्रोटोकॉल अंतर्गत चेतवनी समान है, पण लोकोनी भीड़ बतावे छे के रसी माटे लोकोनो विश्वास वधी गयो छे। इस हुजूम में जिसे देखिए वही दौड़ा भागा चला जा रहा है। ये देखिए, जैसे ही पुरुषों की टोली दौड़ी, महिलाएं भी साथ साथ भागने लगी, जैसे इनके बीच कोई रेस लगी हो। इस भीड़ में हर कोई इतनी जल्दबाजी में है कि एक दूसरे से आगे निकलने के लिए सरपट उस ओर भागा चला जा रहा है जहां ना कोई मेडल बटने वाला है और ना ही इन्हें ओलंपिक का तमगा मिलने वाला है, बल्कि कोरोना से बचाने वाले वैक्सीन की वो खुराक मिलने वाली है जो हमारी और आपके जिंदगी के लिए अब बेहद जरूरी हो गया। तो अब जब अचानक से गेट एक खुला, गेट दूसरे से लोग भागदड़ करते हुए वहां पर पहुंचे। कोई अगर लेडीज अपने गोद में बच्चा लिए हुए दौड़ रही थी, कोई कुछ था, कोई बूढ़े थे, कोई बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे। ये दौड़ भाग हो रही है दरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। आसपास के गांवों में जैसे ही इस अस्पताल में वैक्सीन की खुराक मिलने की खबर फैली, ये ग्रामीण ओलंपिक के धावक की तरह सरिया पीएचसी की तरफ दौड़ पड़े। किसी के गोद में बच्चा था तो कोई खाली हाथ। इन सब के बीच एक दूसरे से पहले अस्पताल पहुंचने की होड़ मची हुई थी ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले उनका नंबर आ जाए और उन्हें वैक्सीन की वो खुराक मिल जाए, जिसके लिए हर तरफ मारामारी मची है। लेकिन एक साथ ग्रामीणों की इतनी भारी भीड़ जुट गई कि अस्पताल के अंदर से लेकर बाहर तक भगदड़ जैसे हालात हो गए। जो ऐसे थे जो दौड़ रहे थे, तो उस भगदड़ में बहुत सारे लोग थे, करीब 100-150 लोग होंगे, उनसे ज्यादा भी 200 लोग तक हो सकते हैं। कोरोना का टीका सबको लगेगा, लेकिन ऐसी भागम भाग कतई मत मचाएं। संयम बरतें, जल्दी ही आपकी बारी भी आएगी और आपको भी वैक्सीन की खुराक मिलेगी, वरना डोज के चक्कर में कहीं आप भी उस महामारी के शिकार न बन जाए। एजाज अहमद, न्यूज 18, गिरिडीह।